जी सर। ठीक है, पेन की कहाँ जरूरत पड़ेगी, शेयर मारो उसको। कुछ फोन आ रहा है आपका है? इसका सुधर हो गया फोन? सर के में देखिए, ये सर का ही है सर, आपके तो ये मेरे इसमें चल रहा है। हेलो, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका। जय हो, जय हो भैया, जय हो। तो हमारे जो नमस्कार सर, नमस्कार नमस्कार, ये देखिए इधर से अपना आ गया जी। चलिए, तो सबसे पहले मैं जो है अपने पास हमारे गोपाल भाई, मेरे छोटे भाई, मतलब बराबर है वैसे, पर आपको लोग पता नहीं, मुझसे 1 साल के छोटे हैं गोपाल भाई, है ना जी सर। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आज अच्छा, लोग कह रहे सर मैं दिमाग घूम रहा है, आप लाइव कहाँ से हैं दोनों? ठीक है। तो साथियों, जैसा कि आपने देखा होगा कि एमपी पुलिस के जो रिजल्ट में हर बार व्यापम अपना रिजल्ट चेंज कर रहा है, तो उसी सिलसिले में मुझे भोपाल आना पड़ा यहाँ पर। और आज हमने काफ़ी चर्चाएं की हैं कि आगे हम लोग क्या करने वाले हैं, तो उसके ऊपर हम सारी आपको जानकारी यहाँ पर देंगे। तो अभी मैं भोपाल में हूँ और मैं दिनेश सर के स्टूडियो में ही हूँ आज यहाँ पर। तो इसलिए हमने सोचा कि जो हमारे बीच बातें हुई है और जो कुछ बातें हैं जो आपको बतानी है कल के प्रोग्राम को लेकर, इसलिए हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं साथियों। तो आप सभी से निवेदन है कि आप जल्द से जल्द जुड़ जाएं, और जिन भी स्टूडेंट ने अगर अभी तक लिंक को शेयर नहीं किया है, वे लिंक को शेयर कर दें, क्योंकि आज मैं चौहान सर से मिलने आया हूं यहां पर। तो साथ एक बार लिंक को जरा आप शेयर कर दें जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका, चौहान अकेडमी में भी और न्यू अतल अकेडमी में भी। हाँ जी बिल्कुल, दोनों जगह चल रहे हैं, दोनों जगह। अच्छा, तो सबसे पहले तो एक बात जान लीजिए, जितने भी कल आ रहे हैं, ठीक है, जो लोग भी कल आ रहे हैं, जितने भी आरटीआई के लिए, बाकी चीज़ों के लिए, तो आप सबको पता है कि व्यापम के पास डायरेक्ट इकट्ठा नहीं होना, क्योंकि व्यापम का इकट्ठा होने का मतलब है कि 5 मिनट में आपको क्या किया जाएगा, तितर बितर किया जाएगा। और मैं नहीं चाहता कि मेरे किसी भी छात्र को किसी भी प्रकार का, आपको पता होना चाहिए आप कल आ रहे हैं, मेरे भरोसे आ रहे हैं। तो जब मेरे भरोसे आ रहे हैं तो एक चीज़ है उसमें कि गाइडेंस भी वैसे ही चाहिए, मार्गदर्शन चाहिए, और आपको एक ही ऑर्डर को फॉलो करना पड़ेगा, नहीं तो फिर डिस्टर्ब हो जाएगी। ठीक है, तो आप लोग कल आना कहां पर है मैं बता दे रहा हूं, ताकि आपको ना तो पुलिस ना प्रशासन कोई भी कुछ नहीं कहेगा, आपको कोई भी कुछ नहीं कहेगा, आपको कहां पर आना है, कहां पर इकट्ठा होना, पहले उस चीज ध्यान रखिए आप। ठीक है, आप सबको बता दूं मैं इकट्ठा कहां पर होना, क्योंकि आप लोग तब देख लियो, पॉलिटेक्निक चौराहा, कौन सा श्री है सर जी, पॉलिटेक्निक चौराहा, आप जानते होंगे आप लोग पॉलिटेक्निक चौराहा पे आना है। अब पॉलिटेक्निक चौराहा कहां पर है मैं आपको सबको बता दूं, ये है आपका श्यामला हिल्स के पास में ही है, ठीक है, सीएम आवास के पास में ही आपका, ठीक है, वहां पर पॉलिटेक्निक चौराहे पर है प्रोफेसर कॉलोनी, कौन सी है, प्रोफेसर कॉलोनी, विधायक आवास है पूरा, ठीक है, और प्रोफेसर कॉलोनी बहुत बड़ी है, तो वहां पर एक आप लोगों को हॉस्पिटल दिखेगा, बॉम्बे चिल्ड्रन हॉस्पिटल, वहीं पर आप लोग, वहीं पर मैं खड़ा रहूंगा, मैं आपसे पहले पहुंच जाऊंगा, बॉम्बे चिल्ड्रन हॉस्पिटल,
ठीक है, ये सारे वो छात्र जान लीजिए जो कल आ रहे हैं भोपाल, ठीक है, ये दिमाग पर रखेंगे आप लोग। सबको दिख रहा है क्या? सब लोग एक बार देख लीजिए आप लोग कि मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, या मेरी बात को सुन लीजिए आप लोग, लिख लीजिए, अभी लिख लीजिए कि आपको आना कहाँ पर है। मैं 11 बजे पहले वहाँ पर पहुँच जाऊँगा, ठीक है, तो आप लोग आते रहिएगा, सब लोग बैठते रहिएगा आराम से। पहले हम सब चर्चा करेंगे, हमें करना क्या है, हमें मिलना किससे है, क्योंकि सबसे पहले हम मिल के बैठेंगे, हम पूरी चर्चा करेंगे सबकी। मैं RTI चेक करूंगा, RTI सबकी सही है कि नहीं है, और उसके बाद जो भी मंत्री हैं, जो भी लोग हैं, व्यापम का है सारा मुद्दा, वहां पर बैठने के बात करेंगे। तो सब लोग लिख लीजिए आपको कि पॉलिटेक्निक चौराहे के पास में है प्रोफेसर कॉलोनी, और प्रोफेसर कॉलोनी में है एक बॉम्बे चिल्ड्रन हॉस्पिटल, तो बॉम्बे चिल्ड्रन हॉस्पिटल के पास आते जाइएगा, वहां पर अपने व्यक्ति खड़े रहेंगे, वो आपको जो है स्थान पर गंतव्य तक पहुंचाते जाएंगे, और आप जो है बढ़िया बैठ करके आराम सारी चर्चा करेंगे। जितनी भी लड़कियां आ रही हैं बहुत तरीके से, बहुत ध्यान रखना, जब तक मैं ना कहूं व्यापम ऑफिस नहीं जाना किसी को। क्या बोल रहा हूं इस बात में सर, आप भी थोड़ा समझाएं कि एक एक चीज को करके चलना है। साथियों, जैसा कि सर ने आपको बताया कल आपको कहां पर इकट्ठा होना है, तो जितने भी भोपाल के आसपास के जो विद्यार्थी है, जो भोपाल आकर जो सर का सपोर्ट करना चाहते हैं, आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप सभी लोग कल आइए भोपाल में, और आपने सर ने जो आपको स्थान बताया उस स्थान पर आप लोग इकट्ठा होइए। वहां पर कोई भी ऐसे हुड़दंग वाली बातें नहीं होगी जिससे आपको समस्या होगी। और आज जो हम यहाँ पर बात करना है उसमें मुख्य कारण जो ये है साथियों, केवल और केवल एमपी पुलिस का रिजल्ट ही नहीं है, बल्कि आप देखोगे तो पीबी के अंदर अभी एमपी टेट वर्ग 3 का जो पेपर चल रहा है, जिसको सर ने उजागर किया था यहाँ पर, फिर से वो मुद्दा गरमाने लगा है कि क्या गरीब मजदूर और जो मध्यम वर्ग का बच्चा है वो पढ़ाई लिखाई करना छोड़ दे क्या? क्योंकि आपकी और हमारी इतनी ताकत नहीं है कि हम 10 लाख 12 लाख 15 लाख 20 लाख रुपए में कोई पेपर खरीद सकेंगे और उसको हम दे पाएंगे। और भी बहुत सारे सोर्स हमें यहां पर मिले हैं जिनके थ्रू पता चला है कि किस तरीके का फर्जीवाड़ा पीबी कर रहा है, और ये पीबी की कोई पहली गलती नहीं है, पीबी इसके समय लगभग 4 से 5 गलती कर चुका। अगर आप देखोगे तो एग्रीकल्चर का पेपर इन्होंने लीक कर दिया, SED और RHEO का, फिर उसके बाद देखोगे स्टाफ नर्सिंग वाला पेपर कैंसिल कर दिया, और फिर अगर आप देखोगे ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 का एग्जाम उन्होंने निरस्त कर दिया, और उसके बाद में एक और फर्जीवाड़ा हमारे सामने आया है एमपी टेट के लिए। तो साथियों, आप सभी से मेरी गुजारिश है कि अब हमें वो समय आ पड़ा है कि हमें एकजुट होकर यहां पर हमारी बातें रखनी है। तो मैं आप सभी से चाहूंगा कि आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा हमारी इस वीडियो के लिंक को शेयर करें, ताकि लोगों को पता चले कि आखिर में हम करना क्या चाहते हैं। और इंदौर के जितने भी स्टूडेंट हैं, इंदौर के आसपास के एरिया में जितने भी स्टूडेंट हैं, हम लोग एक छोटा सा प्रोग्राम रखेंगे ज्ञापन का। ज्ञापन के अंदर सबसे पहले हम सरकार से ये मांग रखेंगे सर कि हमें ये बात पहले मैं क्लियर कर दूं। जी गोपाल सर वो बोल रहे हैं जो भोपाल कलेक्ट्रेट में रखने वाले हैं। कहां पर? इंदौर कलेक्ट्रेट में। कहां पर? इंदौर कलेक्ट्रेट, मतलब गोपाल सर जो कार्यक्रम करेंगे वो करेंगे इंदौर कलेक्ट्रेट में। इंदौर कलेक्ट्रेट में ज्ञापन दे जाएंगे। मैं जो ज्ञापन देने जा रहे हैं, मैं ज्ञापन देने नहीं जा रहा हूं, मैं सीधे मंत्री से बात करवाऊंगा आपकी, मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, जो भी उसके मतलब व्यक्ति हैं उनसे, और आप RTO लगा करके अपनी चीज़ों को मांगेंगे, ठीक है। और गोपाल सर जो है इंदौर में करेंगे, मैं कहाँ करूँगा? भोपाल में करूँगा। ये बात कन्फर्म कर लो, क्लियर आउट कर लो, मतलब आपको भी नहीं लगना चाहिए। तो मैं भोपाल में करूँगा। भोपाल में कहाँ पर? मैंने प्रोफेसर कॉलोनी बता दिया, पॉलिटेक्निक चौराहे के पास में, और बहुत सिंपल सा रास्ता बता दे रहा हूँ। VIP रोड से जाएंगे तो पा जाएंगे आप, लाल घाटी जाएंगे तो पा जाएंगे आप, CM आवास के बगल में ही है पॉलिटेक्निक चौराहा, और पॉलिटेक्निक चौराहे के बिल्कुल बगल से लगा हुआ है प्रोफेसर कॉलोनी, जो विधायक आवास है वहीं पर है बॉम्बे चिंडल हॉस्पिटल। तो बॉम्बे चिंडल हॉस्पिटल, प्रोफेसर कॉलोनी, आपको गूगल मैप पे लगाना है और सीधे वहीं पर पहुंच जाना है। वहीं पर मैं खड़ा रहूंगा या कि मेरे साथी खड़े रहेंगे, वो आपको जो है गंतव्य स्थान पर बैठा देंगे आराम से। बैठ करके पहले हम बैठेंगे, चाय पान नाश्ता करेंगे, पहले जो दूर दूर से आएंगे पहले हाथ मुंह धोना, चाय पान नाश्ता करने के बाद फिर हम चर्चा करें, क्योंकि मेरा जो काम करने का तरीका यह है कि RTI पर अच्छे से बात हो जाए, विधिवत तरीके से सबकी RTI चेक हो जाए कि सबके पास डॉक्यूमेंट है नहीं है, बाकी सब चीजें ठीक है। और जितनी भी जनरल गर्ल्स आ रही हैं, अपना अपना अच्छे से स्कोर कार्ड याद रखना कि आपको कितने नंबर मिले थे, ताकि आपको किसी प्रकार की तकलीफ ना हो। अब बाकी इंदौर में जो कलेक्ट्रेट में जो कार्यक्रम होगा वो करेंगे हमारे गोपाल भाई। तो ये साथियों कि हम लोग इंदौर में कलेक्टर ऑफिस पे ज्ञापन देंगे, फिर उसके बाद हम सरकार को 3 से 4 दिन का समय देंगे कि 3 से 4 दिन के अंदर आप इस पे CBI जांच बिठाइए। CBI जांच के थ्रू पता चले हमें कि कितना फर्जीवाड़ा हो रहा है और कब से चला रहा है, ये हमें पता तो चले। एग्रीकल्चर का इन्होंने मामला जैसे रफा दफा कर दिया, मैं ये नहीं चाहता कि ये वाला मामला भी ये लोग रफा दफा करके फुर्सत निपटा ले कि यार चलो ठीक है जैसे तैसे खत्म कर दो एग्जाम और नई एग्जाम लो। जो दोषी है उसके ऊपर तो कार्रवाई होना चाहिए। हम यहाँ पर जो लड़ाई लड़ना है उसमें ये भी हम एक मुख्य मांग रखने वाले हैं कि ये क्लियर करो कि कितने नंबर वालों का सिलेक्शन हुआ है,
क्वालिफाई नॉट क्वालिफाई से हमें मतलब नहीं है, आप हमें यह बताओ कि किसके कितने नंबर आए, किसका कट ऑफ क्या गया, नॉर्मलाइजेशन वाला कितना लफड़ा हुआ है, ताकि हम ये सारी चीजों को बता सके। और ये जो सर ने एक सुझाव दिया था, मैं वो सुझाव मुझे काफी अच्छा लगा, जिस तरीके से एसएससी अपना रिजल्ट जारी करता है और उसके अंदर लिखा आता रोल नंबर दिया रहता है कितने नंबर की कितने नंबर आए थे, तो रोल नंबर सहित और सभी का रिजल्ट सार्वजनिक होना चाहिए कि कौन सिलेक्ट हुआ कौन सिलेक्ट नहीं हुआ, हमें चेक नहीं करना पड़े। एक लिस्ट आई, उस लिस्ट के तहत सभी विद्यार्थियों का हमें पता चले कि कितने विद्यार्थी सिलेक्ट हुए हैं, कौन कहां से हुआ है, ताकि हमें पता चल सके कि ये जो व्यापम है, जो फर्जीवाड़ा लगातार करे जा रहा है, कहां रुकने वाला है। तो साथियों, आप सभी से निवेदन है कि जो भी भोपाल आसपास के जो विद्यार्थी है, जो सर ने आपको एड्रेस बताया, उस एड्रेस पे आना है। और कल ही हम करने वाले हैं दोस्तों मध्य प्रदेश में, इंदौर जो है, इंदौर के अंदर हम कल ज्ञापन का एक प्रोग्राम रख रहे हैं, तो हम आपको टाइम बता देंगे, लगभग 1 या 2 बजे के आसपास हम कल प्रोग्राम रखेंगे वहां पर ज्ञापन देने का। तो आप सभी विद्यार्थियों को साथियों वहां पर पहुंचना है, ताकि हम जो बातें हैं मुख्य बातें वो तो रख सके, आखिर में हम आखिर में जो विद्यार्थियों के साथ जो घटनाएं घटित हो रही कब तक गलत होगा। और साथियों, आपको इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम लड़ेंगे। अगर मैं आज यहां पर आया हूं और सर मेरे साथ में खड़े, ये कहीं ना कहीं हमारे अंदर वो एक भावना है कि यार विद्यार्थियों के लिए कुछ करे, तो इसलिए साथियों हम हमारा समय निकाल कर यहां पर आते हैं और जो जानकारी होती है वो हम आपको दे पाते हैं। तो साथियों, ये प्रोग्राम हम करने जा रहे हैं आगे की ओर, और जो बातें हैं वो सर आपको यहां पर बता देंगे। साथियों देखिए, मेरा कुछ एक लड़की मैसेज कर रही है कि सर मैं लेट हो जाऊंगा, कोई दिक्कत, लेट हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा नहीं, मैंने 11 बजे बोला है तो आप 12 बजे तक आ सकते हो, ऐसा नहीं है। जो दूर दराज से आ रहा है, हम पहले बैठ के बात करेंगे, और आप लोग जो है चौहान एकेडमी के वीडियो और सर की वीडियो जो है लगातार अपडेट देखते रहिए, क्योंकि अपडेट जो आपको मिलती रहेगी आराम से, ठीक है। आपके पास मोबाइल है, तुरंत यूट्यूब खोले, कुछ नया बदलाव होता चीज़ें, और ये पर फिक्स है, ये इसमें कोई बदलाव नहीं, कोई चेंजिंग नहीं है, फिक्स है, ठीक है। यहाँ पर आपको पहुँचना है, प्रोफेसर कॉलोनी में आपको पहुँचना है, ठीक है। तो ये आप दिमाग पर रखेंगे कि प्रोफेसर कॉलोनी हम पहुँचेंगे तो उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये है दोस्त कि मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले हम लोग मुलाकात करके क्या कर सके, गुरुजी चर्चा कर सके, वो बहुत जरूरी होती है, ठीक है, चर्चा कर सके, और चर्चा में आप सभी अपनी बातें रख सके, ठीक है। आपके साथ बहुत सारे टीचर्स भी आ रहे हैं, ठीक है, लड़कियाँ अपनी बात को रख सकें, जो यूआर कैटेगरी गर्ल्स हैं या जो भी गर्ल्स हैं जिनको बड़ी समस्या है, उनको रख सकें, ताकि मैं जिम्मेदार लोगों के साथ आपके साथ जो है आपकी वार्ता सीधे 1-to-1 करा सकूं, बाकी जो मीडिया को एक जगह बुला सकूं, ये भी चीज़ें हैं। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि आरटीआई आप लोग कैसे कैसे बना के लाए हो, किसी के पास पता चले पोस्ट कार्ड नहीं है, किसी के पास कुछ नहीं है, तो वो हो जाएगा। तो आप लोग 11 बजे से आना शुरू हो सकते हैं, तो आप 12 बजे तक आ सकते हैं, 1 बजे तक आ सकते हैं, मतलब 2-1-2 घंटे का प्रोग्राम हम रखेंगे, लेट भी आ सकते हैं, कोई दिक्कत की ऐसा नहीं है कि 11 मतलब 11, ऐसा कुछ नहीं है। आराम चाहिए कि चर्चा होगी, पहले चर्चा चलेगी, कुछ आदमी चाय पान नाश्ता भी करेगा, थोड़ा सा सोचेगा भाई दूर दूर से आप लोग आ रहे हो, तो पहले आराम से रेस्ट करो, चर्चा करो, थोड़ा सा वहीं पर आपका रेस्ट रूम भी है, ऐसा नहीं है, मैंने पूरी आपके लिए व्यवस्था कर रखी है, ठीक है। क्योंकि मैं यहाँ पर आपको अगर बुला रहा हूँ तो कुछ सोच के बुला रहा हूँ, मैं आपको अगर बुला रहा हूँ क्योंकि ये क्यों बुला रहा हूँ उसकी वजह है, ताकि हम एक चर्चा कर सकें और आपके अंदर जो भावना है, जो भी आपके अंदर समस्या, उस समस्या को जब तक हम समाधान ढूंढेंगे नहीं, हाँ। साथ मिल, क्योंकि 4 दिमाग होते हैं तो 4 दिमाग से अच्छी बात निकल के आती है, ठीक है। तो इसलिए जितनी भी एक नॉट क्वालिफाइड बाकी चीजें हैं सब लोगों को आना है, मैं आपको पहले बता दिया, फिर से चाहे तो आप लिख लो कहां पर आना है, इकट्ठा कहां पर होना, व्यापम ऑफिस में इकट्ठा मत हो जाना, अगर व्यापम में इकट्ठा होते हो और वहां में नहीं मिलता भगा देते तो मेरी गलती नहीं हो। मैं आपको कहां इकट्ठा होने कह रहा हूं, प्रोफेसर कॉलोनी पॉलिटेक्निक चौराहे के बगल में, ये कहां पर, बॉम्बे चिल्ड्रन हॉस्पिटल के पास में आप लोग आ जाइए, वहां आपके लिए 2-3 लोग खड़े रहेंगे, आराम से आपको पिक करके, बगल में ही एक गार्डन है वहां पर मैंने बुक कर रखा, तो वहां पर आप लोग बढ़िया आके बैठ कर सकते हैं, वहां पर ना तो कोई परेशान करेगा और ना ही कोई फालतू कोई बदतमीजी करेगा, ना पुलिस ना प्रशासन कोई भी नहीं, और आराम से हमारी चर्चा होने के बाद फिर हम डिसाइड करेंगे कि हम सबसे पहले किस मंत्री के पास चलते हैं, किस गृह मंत्री के पास चलते हैं, सामान्य प्रशासन मंत्री के पास चलते हैं, सवर्ण आयोग के अध्यक्ष किस मुलाकात करते हैं, सभी से मुलाकात करेंगे, अच्छे से मुलाकात करेंगे, बिना किसी परेशानी की मुलाकात करेंगे। तो इसलिए मैंने आपको बता दिया, फिर से इस बात का दिमाग में रखना, इसलिए मैंने बोला था कि अंतिम मैं बार बता दूंगा, और ये बात, ये जगह हमारी डिसाइड हो गई, फाइनल है। गुरु जी आप बताइए आप कितने बजे बुलाएंगे इंदौर? इंदौर में अपन 2 बजे का ज्ञापन रख रहे हैं कि 2 बजे लगभग मेरा ये मानना सभी विद्यार्थी आ जाएंगे, 2 बजे अपन एक ज्ञापन का प्रोग्राम रखेंगे जिसके अंदर जो जो व्यापम के अंदर जो घटनाएं घटित हुई है। यहाँ पर यह भी सुनने में आया कि 80 नंबर गर्ल्स के होने के बावजूद भी जनरल के अंदर सिलेक्शन नहीं हुआ, इवन जनरल बॉयज का लगभग 80 के करीब सिलेक्शन हो गया, 78 वाले स्टूडेंट का जनरल से नहीं हुआ सिलेक्शन, बल्कि 73 वाले का हुआ है।
तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि अगर ये नॉर्मलाइजेशन की मेथड अप्लाई करना चाहते हैं तो ये लोग पहले आए हमारे सामने और हमें ये बताए कि नॉर्मलाइजेशन के आखिर में मेथड है क्या, वो किस तरीके से अप्लाई कर रहे हैं, कौन सा फॉर्मूला लगा रहे, ताकि सरल भाषा में हमें भी पता चल जाए और हर एक स्टूडेंट को पता चल जाए। या तो फिर आप इतने काबिल लोग लेके आओ कि सभी को एक जैसा पेपर मिले, एक जैसा लेवल आप मेंटेन करके रखो। ये लोग अपना लेवल मेंटेन करके नहीं रखते हैं, उसका खामियाजा भुगतना पड़ता 80 नंबर वाले विद्यार्थी को भी। और सबसे बड़ा, सबसे गंदा मजाक किया है पीबी ने, कल अगर आप देखोगे तो जो स्टूडेंट पहले क्वालिफाई थे, बाद में उन स्टूडेंट को कर दिया इन्होंने नॉट क्वालिफाइड। तो पहली बात तो यह कि विद्यार्थी तो पहले बेरोजगारी की मार इतनी झेल रहा है और कहीं थोड़ी सी खुशी मिली थी कि चलो यार कुछ तो क्वालिफाइड हुए, इन्होंने क्या करा, उनको नॉट क्वालिफाई कर दिया। तो यह समझ में आ रहा है कि पहले क्वालिफाई नॉट क्वालिफाई, इसका मतलब क्या, इसका हेरफेर कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या पहले सीटें नहीं बिकी होगी, हो सकता सर, कुछ भी रीजन हो सकता है। तो फिर अगर पहले अगर क्वालिफाई था तो बाद में नॉट क्वालिफाई क्यों हुआ, ये भी पीबी को अपना आंसर देना पड़ेगा। और कट ऑफ कितना गए ये तो इसके बाप को भी बताना पड़ेगा, ये लोग नहीं बताएंगे तो कुल मिला के आपको और हमें बस केवल और केवल बेवकूफ बनाया जा रहा है और कुछ भी नहीं। एक तो 4 साल में एग्जाम लेते हैं, वो भी एक फॉर्म डालो तो 1.5 साल बाद एग्जाम होती है। पिछले साल दिसंबर जनवरी में फॉर्म डाला था तो इस साल मार्च में एग्जाम हुआ और फरवरी में एग्जाम हुआ, जनवरी फरवरी में 1 साल बाद, और उसके बाद भी ये घटनाएं घटित हो रही है। और विद्यार्थियों की जो उम्र बढ़ी जा रही है और 4 साल से कोई भर्ती नहीं दी भी तो केवल 4,000, बाद में 2,000 बढ़ा के 6,000 करी। और MPSI जैसी वैकेंसी का तो सर ये लोग जिक्र ही नहीं करते हैं, ना ही अभी MP पटवारी की बात कर रहे हैं, ना ही वन रक्षक की बात कर रहे हैं। ये आते हैं पेपरों में, एक दो बार नोटिफिकेशन दे देते फिर शांत हो जाते, क्योंकि इनको मालूम है एक बड़ा क्राउड जो MP पुलिस के लिए जुड़ा हुआ है यही बोलेंगे, बाकी कोई भी नहीं बोलेगा। पर पहली बार ऐसा हुआ है साथियों, अगर आप देखोगे मध्य प्रदेश के अंदर, की पहली बार लाइफ में कि स्टूडेंट कॉल करके बोल रहा है सर आप प्रोटेस्ट कब करोगे, या फिर पहले हमें बताना पड़ता था कि हम इस तारीख को प्रोटेस्ट करेंगे आपको आना है, पर ये पहली बार MP के अंदर हो रहा है कि स्टूडेंट हमें कॉल कर रहा है और स्टूडेंट कॉल करके कह रहा है सर कब आना आप जगह बताओ। तो साथियों वो दिन भी बहुत जल्द आएगा, वो दिन भी बहुत जल्द आएगा, जो आप सोच रहे हैं वो भी हम बहुत जल्द करेंगे। तो उम्मीद करता हूं साथियों कि कल आप सभी लोग वहां पर जरूर आएंगे और जो हमारी ज्ञापन की जो प्रक्रिया है वहां पर और जो भोपाल की जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को कल हम पूरा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो मैं आपको एक बार फिर से अवगत करा दूं होना क्या है, उस चीज़ को समझ लो आप एक बार। दो जगह सिस्टम है, ठीक है, एक बार उसको टेस्ट कर लीजिए सर गाड़ी को। भोपाल में बड़ा खास प्रोग्राम है किसका, RTI का। और RTI क्या है, और मंत्रियों से मुलाकात का, मंत्री से, किस मंत्री से, चाहे PV के हों और चाहे पुलिस के मंत्री हों, इनसे मुलाकात, तो ये बहुत बड़ी बात है और इसका लीड करूंगा मैं, मतलब दिनेश चौहान सर, ठीक है। इंदौर में ये कलेक्ट्रेट ऑफिस पे, ठीक है, वहां पर दिया जाएगा ज्ञापन, ये लीड करेंगे यहां पर कौन, गोपाल सर, ठीक है। तो ये इंदौर में ये सिर्फ ज्ञापन का कार्यक्रम है कि बदलाव ऐसा हो ऐसा हो, और ये RTI का कार्यक्रम है, ये है कानूनी कार्यक्रम, मतलब इस पर इसलिए आना जरूरी है जिसको लगता है कि मेरे मार्क्स अच्छे थे, ठीक है, तो आपको आना अत्यंत आवश्यक है ताकि आपको क्या मिल सके, आपकी जवाब मिल सके, क्योंकि ज्ञापन का जवाब मिले ना मिले लेकिन इसका जवाब आपको मिलेगा मिलेगा। दूसरा, मंत्रियों से आप अपनी बात रखोगे तो ज्ञापन किसके अंदर काम करता है, मंत्री के अंदर काम करता है, सीधी बात, चुनाव आने वाला तय है कि आपकी बातों को कंसीडर की जाएगी, ठीक है। इसलिए जो भोपाल में कार्यक्रम है वो बहुत ही शानदार रहना है, और जो ज्ञापन वाला कार्यक्रम वो कहाँ रहना है आपका, इंदौर में, जिसको लीड करेंगे गोपाल सर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको भोपाल में कहाँ पर आना है, प्रोफेसर कॉलोनी पॉलिटेक्निक चौराहा के पास में है, बॉम्बे चिल्ड्रन हॉस्पिटल, लिख लो बॉम्बे चिल्ड्रन हॉस्पिटल, गूगल मैप पर सर्च मार के बॉम्बे चिल्ड्रन हॉस्पिटल प्रोफेसर कॉलोनी पॉलिटेक्निक चौराहा पहुंच जाना, ठीक है। मैं वहां पर आपके पहले पहुंच जाऊंगा, 11 बजे से आपको मैंने बुलाया, मैं 10 बजे ही पहुंच जाऊंगा ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो, कोई असुविधा ना हो, ठीक है, ये चीज़ है दिमाग में रखेंगे। और गुरुजी ने आपको कहते हैं 2 बजे इंदौर में, आपको जो है जो इंदौर में छात्र रहेंगे उनको बुलाया गया कहाँ, इंदौर में 2 बजे, ठीक है, बस इतनी सी जानकारी है। और बाकी आप जो क्या करते हैं, कल क्या गुल खिलाते हो, तो कल आपका देख लिया जाएगा कितना दम दौड़ाका है आप में, वो तो कल पता चल जाएगा। 100 की सीधी अगर मैं किताब लेके जाऊंगा सर यहाँ से, अगर ये लोग आएंगे तो इनको मंत्री से मिलवा दूंगा, RTI दिलवा दूंगा, दिक्कत कोई नहीं होगी, नहीं आएंगे तो अपना MPPSC मेंस की किताब पढ़ता रहूँगा, बैठा रहूँगा, शाम को लौटाऊंगा, सो किसी देखो क्या करें,
नहीं आएंगे, बच्चा आएगा। मैं सर मेरी थोड़ी आदत है ऐसी, नहीं नहीं बच्चा आएगा सर विश्वास। अगर आपको आना है, अरे लड़ाई इनकी है गुरु, सीट इनकी है, सिलेक्शन इनका, मेरे को क्या करना है? मैं इतना काम कर रहा हूँ कि भोपाल में आपको खड़े होने की जगह दे रहा हूँ, सोचिए ना, जहाँ पर कोई आपको हाथ नहीं लगा सकता, वो बड़ी बात है ना। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, वो तो आपको मैं दे रहा हूँ, ये जो मुझसे हो रहा है, चलना तो आपको है राही। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, धन्यवाद साथियों, जय हिंद जय भारत, जय हिंद जय भारत, ठीक है।